तो सीधे आपको ले चलता है जहां पर आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर, रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो बयान दो बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान, 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में, अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है, वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। 5 महीने की जेल के दौरान दिए गए बयान, ईडी कहती है इस पर हमें भरोसा नहीं है और उसको रख लिया अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, यानी ऐसा बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं था उस पर की ईडी ने कहा हमें इस पे भरोसा नहीं है। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। और जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश उड़ गए। आपको पता है उनके होश उड़ गए? बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं। और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अबे मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा, मैं चाहूंगा यह तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलवहियां करते हुए उनसे मिलते हुए यह तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ।